डेट स्पेशल होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, मैंने कहा ना। ये बताओ कि वो लड़की कौन है, ऐसे घूर रही थी? तुम्हारी रिश्तेदार है क्या? वो मेरे घर की नौकरानी है। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी नौकरानी। वाह, शी इज रियली ब्यूटीफुल। ऐसे तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैडम और अरुण सर जब साथ में हो तब तुझे वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। मैं उन्हें गलत ढंग से नहीं देख रही थी। उनकी एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो जब मेरे सामने आए तो उस वक्त मैं खुद को ही भूल गई थी। अब ये क्या गलती हो गई मुझसे? तू ऐसी बातें मत कर। तू चुपचाप रहेगी उसी में तेरी भलाई होगी। जा जा, अब अपना काम कर। सुन फुलझड़ी, 3-4 दिनों से मैं गौर से देख रहा हूँ, तू मैडम से इतनी नाराज क्यों रहती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद ही शर्मिंदा हूँ। देख मालकिन भी कोई दूध की धुली नहीं है। वो क्या है? हाँ, वो हाँ, रोज रात को सोने से पहले मैं मालकिन हाँ, के पैर दबाया करती हूँ हाँ, और मालकिन हमेशा कहती हैं और ऊपर दबाओ और ऊपर दबाओ और ऊपर दबाओ, और मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो नाराज है। तो टके की नौकरानी मेरी बराबरी करती है। तुझे मैंने कितनी बार कहा है, कोई मेरे साथ यहाँ आए तो तू उसके सामने मत आया कर। इससे पहले तेरी माँ ने भी यही गलती की थी, लेकिन मैंने उसे अच्छा सबक सिखाया। तुझे भी लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। शट अप! अब 1 सेकंड के लिए भी मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहती। निकल जा, निकल जा। गेट आउट! मैंने कहा निकल जा। गेट आउट, गेट आउट। आई से यू गेट लॉस्ट। निकल जा, निकल जा, निकल जा। जाहिल गवार। तेरी मालकिन हर महीने जो हमें पगार देती है उसी से हम लोगों का घर चलता है। तेरी वजह से अब वो भी चला गया। मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है माँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? जैसा तुम सोचती हो ना, मैडम वैसी अच्छी औरत नहीं है। वो अच्छी हो या बुरी हो, तुझे उससे क्या मतलब? तुम्हारी मैडम ने मुझ पर हाथ उठाया, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। और तुम होके पूछती तक नहीं हो कि मुझे कहाँ चोट आई। मुझे इस तरह घूरने की बजाय उस हीरोइन से जाकर पूछो कि मेरी बेटी पर हाथ क्यों उठाया तुमने। अगर हिम्मत है तो उस हीरोइन के मुंह पे तमाचा मार के आओ, तब मैं मानूंगी कि तुम मेरी असली माँ हो। अच्छा ठीक है साहब, बहुत ही मजा किया आदमी है। फुलझड़ी जरा देखो तो, डायरेक्टर साहब तुम्हें देखने आए। नमस्ते। माँ अंदर है क्या? माँ जल्दी आओ। क्या है बेटी? ओह आप हैं? माँ जी। सर ये फुलझड़ी की माँ है, गंगा माँ। मैंने जो कहा था ना डायरेक्टर साहब, ये वही है, विक्टर सर। नमस्ते सर। नमस्ते माँ जी, मुझे आपकी बेटी का फोटो शूट करना है। जरूर कीजिए। क्या मैं कपड़े बदल कर आऊँ? ये ड्रेस भी चलेगा, अच्छी लग रही हो। कितनी गर्मी है, मैं तो बॉईल हो गया। फोटो देखने के बाद मैं सुभाष को बता दूंगा। ठीक है, मतलब पसंद तो आऊंगी ना? ऐसी बात नहीं है, फोटो देखने के बाद ही फैसला कर पाएंगे। सुभाष चलो अब निकलना। अरे नहीं नहीं, एक कप चाय तो पीकर जाइए। नहीं माँ जी, फिर कभी आता हूँ। ठीक है, चलो। हाँ सर, आप जरा आगे चलिए, मैं पीछे से आता हूँ। अच्छा इंसान है ना। लगता है फुलझड़ी डायरेक्टर साहब को पसंद आ गई। कुछ ही महीनों में तू बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन जाएगी, समझी? फिर तो तुझे मिलने के लिए मुझे इंतजार करना पड़ेगा। फेस फोटोजेनिक है, हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से फिट है। तो कहाँ है वो? बस आते ही होंगे सर, मैंने उन्हें रूम नंबर बता दिया है, कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। हाँ? सुभाष, हाँ? तुम्हें जूनियर आर्टिस्ट की सप्लाई करते हुए इतने साल हो गए? 10 साल। कुछ कमाया कि नहीं? कमाया तो बहुत सर, लेकिन अय्याशी में पूरा उड़ गया। अभी अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट लड़की से मैंने शादी कर ली है। क्या तुमने एक प्रेग्नेंट लड़की से शादी की? अब क्या करे सर, 2 महीने की प्रेग्नेंट थी और मुसीबत में थी, तो उसे बचाने के लिए मैंने शादी कर ली उससे। लगता है वो लोग आ गए। आइए आइए, इतनी देर कैसे होगी? पहले साहब को नमस्ते करो। नमस्ते सर। करेक्ट, आओ बैठो। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। कोई बात नहीं सर, हम लोग खड़े ही रहेंगे। हाँ, सारे फोटो बहुत अच्छे हैं। देखो फुलझड़ी, हीरोइन बनने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। वो तो आ जाएगा सर। हाँ सुनो, तुम्हें अपना यह नाम भी बदलना पड़ेगा। सर आप ही कोई अच्छा नाम रख दीजिए। मैंने एक नाम सोच रखा है, सुप्रिया। सुप्रिया बहुत अच्छा नाम है। क्यों, पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है सर, सच में बहुत अच्छा है। देखो सुप्रिया, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अपनी लैंग्वेज पे काफी काम करना पड़ेगा। लैंग्वेज पे काम करना होगा मतलब? ये तेरी झोपड़पट्टी की भाषा फिल्मों में नहीं चलने वाली, पागल कहीं की, कुछ भी बोलती है। सुप्रिया मेरी एक सलाह भी है, जितना जरूरी तुम्हारे लिए लैंग्वेज सीखना है, मैनर्स भी उतना ही जरूरी है। वो कहाँ पर मिलेंगे सर? वो यहाँ के किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाएगा, उसे खरीद के दिन रात 2-2 घंटे स्टडी करना। क्या सर आप। एनीवे सुप्रिया, यू आर वेरी लकी। सुन बेटी, जाकर सर से आशीर्वाद ले ले। क्या कह रही हूँ सर। सदा खुश रहो। अगले महीने 5 तारीख को अर्नाकुलम में हमारी शूटिंग शुरू होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। पगली कह रही है।